क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां लोग लाशों को अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए, क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो लाशों का सूप पीते हैं? सुनने में अजीब और घिनौना लग रहा है ना, मगर यकीन मानिए, आज की तारीख में ऐसी बहुत सी जगहें और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब करते हैं, और वो भी बेहद सामान्य तरीके से, क्योंकि उनके लिए ये उनके रीति रिवाज हैं जो सालों दर सालों से चलते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का RR इंफोटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मकसद आप लोगों को दुनिया के कोने कोने की जानकारी देना होता है, जिससे आप घर बैठे ही अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और इसी कड़ी में आज हम आपको दुनिया की 3 बेहद अजीब और गरीब रीति रिवाज और जगहों के बारे में बताने वाले हैं। पहले से ही माफी मांग लेते हैं कि अगर आपको उनको सुनने और जानने के बाद आपका दिल मचलता है और थोड़ा घिनौना लगे, लेकिन सच तो सच है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तोरजा, ये जगह इंडोनेशिया में सुलावेसी इलाके में पड़ती है। यहाँ आदिवासी लोग अपने घरों में अपने मरे हुए घर वालों की डेड बॉडीज को अपने घरों में ही रखते हैं। ना तो ये लोग इन डेड बॉडीज को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि सालों दर सालों इन्हें घर में रखा जाता है। लेकिन इन्हें किसी अंधेरे कमरे या फिर तहखाने जैसी जगहों में नहीं रखा जाता, बल्कि लिविंग रूम में रखा जाता है। जी, यही है हैरान कर देने वाली बात। लेकिन अभी आगे बहुत सी बातें हैं जिसे जान के आपको बहुत हैरत होगी। ये लोग उन डेड बॉडी से हर रोज बात करते हैं। कमाल है ना, इन लाशों को लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है, जिसमें आरामदायक बिस्तर लगा होता है, मृतकों की पसंदीदा चीजें होती हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि डेड बॉडीज असल में डेड हैं ही नहीं। नहीं समझे? मतलब यहाँ के लोगों की नजर में ये लाश लाश नहीं, बल्कि एक बीमार शरीर है। इसीलिए जब ये एक दूसरे के घर जाते हैं तो लाश से हालचाल पूछते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली तो बात ये है कि जब इनके घर में कोई आता है तो ये लाशों से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब जाहिर सी बात है, डेड बॉडीज तो जवाब नहीं देंगी। ऐसे में ये खुद ही मान लेते हैं कि इंसान बहुत बीमार है और वो बेचारा बोल नहीं पा रहा। ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। मगर ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये लोग सालों दर सालों डेड बॉडीज को सड़ने से कैसे बचाते हैं? तो इसका जवाब है जड़ी बूटी। जी हाँ, जो कि इनके आसपास इलाकों में ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ यहाँ के लोग भी काफी एडवांस हो गए हैं, इसीलिए ये डेड बॉडीज को जड़ी बूटी के साथ साथ अब केमिकल्स मिला के रखते हैं। चलिए, इंडोनेशिया से अब आपको ले चलते हैं वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ ऐसे हिस्सों में जहाँ यानोमामी ट्राइबल्स लोग रहते हैं। ये लोग मॉडर्नाइजेशन से कोसों दूर हैं और अभी भी आज के टाइम में ये पुरानी परंपराओं को निभाने में यकीन रखते हैं। यहाँ मरे हुए लोगों के दाह संस्कार का तरीका बहुत अलग है। ये लोग एंडोकैनिबलिज्म नाम की प्रथा को मानते हैं, जिसमें परिजनों के मरने के बाद जली हुई बॉडीज की राख को इकट्ठा किया जाता है और इसे सूप में मिला दिया जाता है, और इस सूप को परिवार का हर एक सदस्य पीता है। छी, यही ख्याल आया ना मन में? भाई, दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ अलग अलग देश, अलग अलग लोग, अलग अलग परंपराएं हैं। ये चीज आपके और हमारे लिए अजीब हो सकती है, मगर यहाँ के लोगों के लिए एक पुरानी मान्यता है और इस नाते हमें उस मान्यता का सम्मान करना चाहिए। दरअसल इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इनके परिजनों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लग रही है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक हम आपको ले चलते हैं फिलीपींस के माउंटेन सूबे के उत्तरी इलाके में, जिसका नाम है सगाड़ा। ये लोग पूरी दुनिया में अपने लटकते हुए ताबूतों के लिए मशहूर हैं। यहाँ सदियों से सगोड़ा जनजाति के लोग ताबूत जमीन में दफनाते नहीं, बल्कि उसे एक पहाड़ी पर लटका देते हैं। जी हाँ, लटका देते हैं, यानी हवा में लटकता हुआ ताबूत। इन लोगों का मानना है कि हवा में लटकती हुई लाशें उनके पूर्वजों को उनके करीब लेकर आती है। मुर्दे को ताबूत में लिटाने से पहले उसे एक लकड़ी की कुर्सी से बांध दिया जाता है और उस कुर्सी को ये
डेथ चेयर कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो दुनिया की वो तीन जगहें जहां डेड बॉडीज को लेकर सभी अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में या लोगों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक हम आपके लिए नई जानकारी लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट।